हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम फातिमा फ्रॉम पॉडकास्ट फन ज्यू। फ्रेंड्स, एज यू नो टुडे इज 5th फरवरी सॉलिडेरिटी डे ऑफ कश्मीर। फ्रेंड्स, आज के दिन हम दुआ कर सकते हैं अपने कश्मीरी ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए ताकि वो जल्द से जल्द आज़ाद हो जाएं। फ्रेंड्स, इसके हवाले से मैं बहुत सारे लोगों से पूछूंगी कि उनकी क्या सोच है, क्योंकि मैं जब भी कश्मीर के बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता है। तो मैं उनकी सोच उनसे पूछूंगी कि उनकी क्या सोच है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम ज़ैनब से पूछते हैं। ज़ैनब, आपको कैसा फील होता है, किस क्या आप सोचती हो कि जब आपको कश्मीर का ख्याल आता है? आई फील सॉरी फॉर देम। गुड जॉब ज़ैनब। और ज़ैनब कुछ शेर भी सुनाना चाहती है हमारे कश्मीरी ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए। ज़ैनब, माँ कश्मीर जन्नत है ना, तो जन्नत में तूफान है क्यों। सो क्यूट। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव आवर ऑनरेबल टीचर विद अस, लेट्स टॉक विद हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। सो कैन यू टेल मी दैट टुडे इज कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, सो टेल मी द मैसेज दैट यू हैव। बेटा, आई वुड से कश्मीर हमारा है और हमेशा रहेगा, इसलिए और हम सब कश्मीरियों के साथ हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड व्हाट अ ग्रेट मैसेज। डियर फ्रेंड्स, वी हैव अ सर विद अस, लेट्स टॉक विद हिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो टेल मी, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द सॉलिडेरिटी डे फॉर कश्मीर? आई वुड लाइक टू से दैट आई होप दैट दे फ्री कश्मीर वेरी वेरी सून, बिकॉज़ as we can see we get to live with many luxuries that those people don't, and it is really unfair to those people that they have to go through certain atrocities that most people have never even heard of. Oh yeah, that's a great message, thank you. Dear friends, hamare sare ko aur bhai aaye unse poochte hain ki inki kya feeling hai. Assalam alaikum. Wa alaikum salam. Aapki kya soch hai? तो मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम बॉर्डर के काफ़ी करीब रहते हैं। हम उन्हें वाजे हैं, वो काफ़ी तशद्दुद करती हैं उन लोगों पर, और ये देखना हमें बड़ा दुख होता है। हम दुआ करते हैं कि आज़ाद हों इंशाल्लाह। दुख तो मुझे भी बहुत होता है कि कश्मीरियों को इतना जुल्म करते हैं इंडियंस, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप ज़रूर दुआ कीजिए कि कश्मीर आज़ाद हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू टाइम। जी सर, फ्रेंड हमारे साथ इस वक्त एक यूट्यूबर मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या फीलिंग है कि जो कश्मीरी हैं वो इतनी देर से कैद में हैं, तो इनको कैसा फील होता है? शाम को बेसिकली मैं खुद भी कश्मीर से हूँ और कश्मीरी भाइयों पर जुल्म किया जाता है, तो दुख होता है। जुम्मे की नमाज तक अदा नहीं की जा सकती, हमारी माँ बहनों पर तशद्दुद किया जाता है, और हम सबको भी यही दुआ करनी चाहिए कि इंशाल्लाह एक न एक दिन वो आज़ाद हो इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स, बस बच्चे कर सकते हैं घर में बैठ के, वो है कि बच्चे दुआ करें और प्रे करें कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरा दिल रो रहा है क्योंकि मेरा कश्मीर रो रहा है कि कश्मीर इज़ इन वेरी पेन। और इंडियन आर्मी में आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, आपने जितना भी जुल्म कर लिया, जितने भी आपने लॉकडाउन लगा लिए, लेकिन आप कभी भी आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकते, और गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्टिव है, और इंशाल्लाह जो कश्मीर है वो जल्द आज़ाद हो जाएगा, कश्मीर बनेगा।